हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब टू एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। और आज मैं आपके सामने पेश हूँ एक ट्यूटोरियल लेके। गाना है पंजाबी, गाया है रब्बी शेरगिल ने। हिंट तो आपको लग गया होगा। सो गाने का नाम है तेरे बिन सानू सोनिया। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। हमने इनका एक भी गाना कवर नहीं किया, सो आई थॉट लेट्स मेक अ ट्यूटोरियल ऑन इट। और इसकी रिक्वेस्ट भी आई थी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव विद इट्स कॉर्ड स्टमिंग पैटर्न एंड प्रोग्रेशन। मैं कॉर्ड्स की बात करूं तो हमें यूज होने वाली हैं चार बेसिक सिंपल सी कॉर्ड्स जो हमने बहुत बारी कर रखी हैं। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा जिस्ट दे देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ उन कॉर्ड्स का। सबसे पहली जो कॉर्ड आएगी उसका नाम है सी कॉर्ड और ये ऐसे प्ले होती है। जो सेकंड कॉर्ड है वो कॉर्ड है एफ। जो थर्ड कॉर्ड है वो है डी माइनर। और जो लास्ट कॉर्ड हमें लगेगी उसका नाम है जी मेजर। अगर आपको पता है इन सब कॉर्ड्स को कैसे प्ले करना है देन वेल एंड गुड। अगर नहीं पता तो डिटेल्ड वीडियो है, ये मैंने कॉर्ड्स पे कवर की है, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। स्टमिंग पैटर्न पे आती हूँ तो वही मेरा फेवरेट स्टमिंग पैटर्न जो है, जो मैं हर एक मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स में कवर करती हूँ वही स्टमिंग पैटर्न, क्योंकि उसमें मोस्टली गाने कवर हो जाते हैं तो ज़्यादा दिक्कत आई थिंक आपको नहीं होगी। तो इसमें जो स्टमिंग पैटर्न है मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, मैं बताती हूँ कौन सा यूज़ होगा। लाइक डाउन 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 अप अप डाउन डाउन अप। अगर मैं और स्लो बताऊं जो बिगिनर्स हैं ताकि उनको समझ आ जाए, डाउन 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 अप अप डाउन डाउन अप। तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो। पहले आ गया डाउन, फिर दूसरा पार्ट है डाउन 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 अप, फिर तीसरा पार्ट है अप डाउन डाउन अप। तो अगर मैं थोड़ा फास्ट प्ले करूंगी, फास्ट आके बताती हूँ, तो यह आएगा डाउन 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 अप अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप। अगर आपको ये पैटर्न आता है देन बहुत अच्छी बात है। अगर आप नए हो, नहीं पता ये पैटर्न, तो आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, ये आपको आराम से आ जाएगा। अब लास्टली इसके प्रोग्रेशन की बात करूँ तो जिस वे में मैंने आपको कॉर्ड्स बताई हैं लाइक सी एफ डी माइनर जी, सी एफ डी माइनर जी, इसी प्रोग्रेशन में पूरा सॉन्ग सर्कुलेट होगा। इसमें आपको कोई प्रोग्रेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, चाहे इंट्रोडक्शन है चाहे पैराग्राफ है, नो नीड टू चेंज। तो आपको यही प्रोग्रेशन फॉलो करना है। अब सब चीज़ें कवर हो गई हैं तो मूव करते हैं सॉन्ग के साथ। उठाइए अपना यूकेलेले और शुरू हो जाइए। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, साथ में कॉर्ड शीट चलती रहेगी, ठीक है? तो आप बस उस कॉर्ड शीट को फॉलो करते जाओ। उसमें किस लिरिक्स में कौन सी कॉर्ड यूज़ है सब कुछ मेंशन होगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप बस उसको फॉलो करते जाओ। और सॉन्ग स्टार्ट करने से पहले मैं एक कैपो यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे को जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा हाई पड़ रहा है। सी कितना नीचे है ये, लाइक 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ फ्रेट पे मैं कैपो यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा स्केल डाउन हो जाए और मैं इजीली गा सकूँ। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जहाँ आपको लगता है कि आपकी पिच कंफर्टेबली जा रही है, जोर नहीं लग रहा गले को, तो वहाँ आप कैपो प्लेस करके प्ले कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आपका जो यूकेलेले है वो प्रॉपरली ट्यून्ड है। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को कैपो का यूज़ पता है। तो जहाँ भी हम कैपो प्लेस करते हैं उसके बाद का जो फ्रेट होता है वो फर्स्ट फ्रेट काउंट होता है, ठीक है? तो वही मान के आपको प्ले करना है। इंट्रो बजाऊंगी, फिर उसके बाद पैराग्राफ, और जो आगे के पैराग्राफ हैं वो सेम उसी पैराग्राफ की तरह हैं। बिन सानू सोनिया कोई होर नहीं लभना, जो देवे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा, तेरे बिन सानू सोनिया कोई होर नहीं लभना, जो देवे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। ये आ गई इंट्रो, ठीक है? इसके बाद इस गाने के पैराग्राफ को अगर हम कंटिन्यूस में रखेंगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं बीच में फिलर नहीं दे रही, सीधा कंटिन्यू कर रही हूँ एंड वाली लाइन्स उठा के, उसके बाद पैराग्राफ, ठीक है? तो इसकी आपको आवाज़ थोड़ी बीच में हल्की हल्की अलग सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैंने कैपो बहुत नीचे लगाया है, तो इसकी आवाज़ वैसे थोड़ी अलग हो गई है। सो मैं लास्ट की लाइन्स प्ले करके उसके बाद पैराग्राफ पे आ जाऊंगी, ठीक है? जो देवे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा, वे मैं सारे घूम के वेखिया अमरीका रूस मलेशिया, ना कितने भी कोई फर्क से
सी हर किसे दी कोई शर्त सी कोई मंगदा मेरा सिस मां कोई हुंदा सूरत ते फिदा कोई मंगदा मेरी सी वफा ना मंगदा मेरी अबला के तेरे बिन होर ना किसे मंगनी मेरी अबला के तेरे बिन होर ना किसे करनी तोप विच छां रिपीट तेरे बिन सानू सुनेया कोई हो नहीं ओ लबना जो देवे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा तो ये आ गया इंट्रो और पैराग्राफ दोनों बहुत इजी थे एक ही प्रोग्रेशन फॉलो होना था अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है अगर आपको पता होगा उसका लिरिक्स है जी मैं हंसे या सी तू जरा वो भी ऐसे आएगा तो मैं आपको थोड़ा जल्दी प्ले करके बता देती हूँ सेकंड पैराग्राफ भी जिवें हसे आसी तू जरा नहीं भुलना मैं सारी उम्र जिवें आखे आसी अखां चुरा रोवेंगा सानू याद कर हसे आसी मैं हासा जीब पर तू नहीं सी हसया दिल च तेरे जुराज सी तू मैनू क्यों नहीं दसया के तेरे बिन मैनू एह से हो नहीं हो दसना ठीक है ऐसे ही है सारा कंटिन्यूस प्यारा सॉन्ग इतनी सिंपल सी कॉर्ड्स के साथ और हमने 5 मिनट में इसको कंप्लीट भी कर दिया सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं अगर थोड़ी सी भी सपोर्ट मिलती है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें इतना तो बनता है ना यार तो मैं ऐसे ही आगे भी ट्यूटोरियल लाती रहूंगी जो आपको ट्यूटोरियल चाहिए होता है एक बारी मेंशन कर दिया करो कमेंट पे मैं मैक्सिमम ट्राई करती हूँ सबके कमेंट को एड्रेस करने का सो अगर आपको कोई क्वेरी भी है कुछ भी यूकुलेले को लेके किसी तरह की भी क्वेरी है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है आप मेरे को DM कर सकते हो _ नवलीन कौर नाम है इंस्टाग्राम अकाउंट का मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि मैंने रिसेंटली एक व्लॉगिंग का चैनल भी स्टार्ट किया है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो वहाँ पे तो आपका मोस्ट वेलकम है सो आज का ट्यूटोरियल इतना ही था टिल नेक्स्ट ट्यूटोरियल गाते रहिए खुश रहिए सीखते रहिए थैंक यू सो मच बाय बाय